राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का शुभारंभ सर संघचालक श्री मोहन जी भागवत और सर कारवा भैया जी जोशी ने भारत माता के चरणों में पुष्प अर्पित कर किया। बैठक के दौरान विभिन्न सत्रों में होने वाली चर्चा की पत्रकारों को जानकारी देते हुए सह सरकारवा डॉक्टर मनमोहन जी वैद्य ने बताया कि शबरीमाला देवस्थान मामला सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दखल की आड़ लेकर केरल सरकार द्वारा हिंदू श्रद्धालुओं के साथ ज्यादती की जा रही है। इस विषय पर बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। शबरीमाला देवस्थानम में जो एक आस्थावान लोगों की एक परंपरा जो चल रही थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिस प्रकार की ज्यादती हिंदू भक्तों पर वहाँ के सरकार द्वारा हो रही है उसको लेकर एक प्रस्ताव आएगा। बैठक में वर्तमान परिस्थितियों में परिवार व्यवस्था के समक्ष चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। संघ इस विषय में भारतीय दर्शन के अनुसार मैं से हम तक जाने की प्रक्रिया पर समाज के बीच काम करेगा। व्यक्ति अधिक भौतिकतावादी अधिक आत्मकेंद्रित बन रहा है तो धीरे धीरे परिवार टूट रहे हैं। परिवार व्यवस्था यह वास्तव में मानवता को भारत की ओर से दी गई एक अमूल्य देन है, ए प्रेशियस गिफ्ट। व्यक्ति से अहम से वयम, मैं से हम तक जाने की यात्रा, ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते समाज राष्ट्र संपूर्ण विश्वात्मकता तक जाने की पहली सीढ़ी यह परिवार व्यवस्था है। इस परिवार व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में चर्चा भी एक प्रस्ताव के माध्यम से आएगी। डॉक्टर वैद्य ने बताया कि कार्य में गुणवत्ता एवं कार्य विस्तार की दृष्टि से संघ के 6 सह सरकारवा 43 प्रांतों के जिला स्तर पर 12,000 कार्यकर्ताओं की बैठक ले चुके हैं। गत वर्ष के प्रवास की एक विशेष योजना ऐसी रही कि संघ में 6 सह सरकारवा है जिसमें से मैं एक हूँ, तो संघ के 43 प्रांतों में सभी 6 सह सरकारवा जाकर उन्होंने जिला स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। मैं स्वयं 7 प्रांतों में गया था। कुल मिलाकर एक 12,000 ऐसे जिला विभाग स्तर के कार्यकर्ताओं की 100-150 ऐसी संख्या में अलग अलग बैठकें पूर्ण देश भर में हुई है। इसके माध्यम से प्रत्यक्ष कार्य का लेखा जोखा और आगे की दिशा और कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए क्या करना चाहिए। सन 1990 के बाद समाज के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए सेवा प्रकल्प और कार्य पर केंद्रित कार्य पद्धति के माध्यम से 3,000 विकसित गांवों का प्रभात गांव की श्रेणी में कार्य चल रहा है। वहीं 1,000 गांव ऐसे हैं जहां कार्य प्रारंभ हो चुका है। एक तो गत वर्ष हम लोगों ने एक जो उपक्रम लिया था, संघ के स्वयंसेवक सामाजिक परिवर्तन के अनेक कार्य में सक्रिय है। हम लोगों ने 1990 के बाद इस समाज में आउटरीच होकर समाज तक अधिक मात्रा में पहुंचना और समाज में परिवर्तन के कार्य हाथ में लेना, ऐसे दोनों काम आरंभ हुए। इसलिए सेवा संपर्क प्रचार ये 3 कार्य विभाग की योजना भी 1990 के बाद संघ में आई और गतिविधि के माध्यम से समाज में परिवर्तन का कार्य स्वयंसेवकों ने आरंभ किया। तो ग्रामीण विकास, गांव के लोगों ने एकत्र आकर अपने गांव के विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ये ग्रामीण विकास की गतिविधि आरंभ हुई। आज करीब ऐसे 300 गांव हैं जो अच्छे विकसित गांव के नाते तैयार हुए हैं जिनको हम प्रभात गांव कहते हैं, और करीब 1,000 गांव ऐसे चयनित हुए जहां पर स्वयंसेवकों ने यह कार्य आरम्भ किया है। धीरे धीरे ये संख्या भी बढ़ रही है। ये बैठक अगले 3 दिन तक ग्वालियर में चलेगी।